हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निदान द सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग जनवरी का 21 से लेकर 30 तक का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। तो ये इस्टेब्लिश किया गया आपका चाइना में। सेकेंड पॉइंट है आपका, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट डेवलप करी गई है। कहाँ पर? जोगबानी एंड ब्राटनगर में। ये जोगबानी जो पड़ता है आपका, ये पड़ता है बिहार में, और ये ब्राटनगर नेपाल में। तो ये पूछ सकता है कि ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट जोगबानी एंड ब्राटनगर कहाँ, किस किस के बीच है? तो ये इंडिया और नेपाल के बीच है। और ये भी पूछ सकता है कि जोगबानी कहाँ है? तो ये जोगबानी आपका बिहार में। अगला पॉइंट आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहाँ हुई है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आपकी मीटिंग हुई है डावोस में। और इसी मीटिंग के दौरान आपका एनुअल क्रिस्टल अवार्ड भी दिया गया। और ये किसे दिया गया? आपका दीपिका पादुकोण को। अगला पॉइंट है आपका, जो अभी हमारा 71st रिपब्लिक डे हुआ था, तो उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो उसमें चीफ गेस्ट थे आपके बोल्सनारो। और कौन है? ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है। अगला पॉइंट है आपका, आसुगंज और अखौरा रोड कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रही है? दोनों की दोनों लोकेशन जो है बांग्लादेश में है, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं इसके बनने के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे नॉर्थ ईस्ट से भी कनेक्टिविटी को इजी करेगा। अगला पॉइंट आपका, ये फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है? ये आपका इस्टेब्लिश किया जा रहा है भोपाल में। अगला पॉइंट आपका, ये फर्स्ट महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? ये इस्टेब्लिश किया गया आपका नाइजर में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपकी यूनियन टेरिटरीज थी दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, इन दोनों का मर्ज कर दिया गया और नई यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, और उसका नाम है दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। और इस जो यूनियन टेरिटरी बनी है नई, इसका हेडक्वार्टर होगा आपका दमन में। तो ये पूछ सकता है कि जो नई यूनियन टेरिटरी बनी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? तो उसका हेडक्वार्टर होगा आपका दमन में। तो अब टोटल मिला के आपका 28 स्टेट हो गई हैं अगेन, और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। अगला आपका पॉइंट है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट। ये पूछ सकता है कि इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इंडिया की रैंकिंग है 76, और फर्स्ट रैंकिंग आपकी डेनमार्क की। अगला पॉइंट आपका, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये 2019 के लिए रिलीज हुआ, याद रखिएगा 2019 के लिए। और ये किसने रिलीज किया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। और इसमें फर्स्ट रैंक किसे मिली है? डेनमार्क और न्यूजीलैंड को कंबाइंडली फर्स्ट रैंक मिली है। और इंडिया की रैंकिंग क्या है? 80। अगला पॉइंट आपका, एससी बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये किसे मिला? यदि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखें तो ये उत्तराखंड की जो डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर है उसे मिला है। और यदि हम इंडिविजुअल की बात करें तो ये कुमार मुनन सिंह हैं, इन्हें मिला है। अगला पूछ सकता है कि गति वेब पोर्टल किस चीज़ से रिलेटेड है? तो आप लोगों ने सुना होगा कि प्रगति जो पोर्टल था पहले से चल रहा था, पीएमओ के अंडर में काम करता था। तो ये गति पोर्टल जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। इसके थ्रू क्या होगा, जो भी हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट चल होंगे उनकी टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। अगला पॉइंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए हैं? ये ऑर्गेनाइज हुए थे पहले, तो ये याद रखिएगा, गुवाहाटी में। और इसमें सबसे फर्स्ट स्थान किसका आया? ये आया आपका महाराष्ट्र का। अगला पॉइंट आपका, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें फर्स्ट कौन आया? इसमें आया आपका गांधीनगर। अगला पॉइंट आपका, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020 की, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है? ये आपकी ओर ऑर्गेनाइज हुई है न्यू दिल्ली में। और इसका थीम क्या था? टूवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट। तो ये दोनों चीज पूछ सकता है कि इसकी थीम क्या थी और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है। अगला पॉइंट आपका, ऑपरेशन वनीला, ये किस पूछ लेगा ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑप्शन दे देगा कि कोई मतलब किसी तरह का कोई हमारी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये क्या चीज़ है? तो ये आपका साइक्लोन, अभी जो मेडागास्कर था वहाँ पर डाइना नाम का साइक्लोन आया था, तो इंडियन नेवी ने यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई है डिफरेंट टाइप के रिलीफ
सामग्री यहाँ पर प्रोवाइड करवाई मेडागास्कर में। तो याद रखिएगा जो आपका ऑपरेशन बनेला था वो मेडागास्कर में रिलीफ प्रोवाइड करवाने से रिलेटेड है। अगला आपका पॉइंट है स्पेसर स्पेस टेलीस्कोप। ये पूछ सकता है किसका है, तो ये नासा का था और ये किस चीज़ के लिए था, ये आपका इस यूनिवर्स की स्टडी के लिए था, मतलब आप रिटायर हो गया। अगला आपका पॉइंट है ये पूछ सकता है कि SCFC क्या है 141V, तो ये क्या था आपका ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस है, ठीक है ना। तो ये क्या है इंडिया ने जो है कम्प्लीटली फेज आउट कर दिया, मतलब इंडिया में नहीं, मतलब जो पहले ज़्यादा यूज होता था अब नहीं होगा इंडिया में। अगला आपका ब्योम मित्रा, ये क्या है, ये क्या है इसरो का मिशन है, हाफ ह्यूमनॉइड मिशन टू स्पेस है, बिफोर गगनयान से पहले एक तरह से ट्रायल जो होंगे उसमें इसका यूज किया जाएगा। अगला पॉइंट है आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें किसने रिलीज किया पहले, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रिलीज किया आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, और इंडिया की रैंकिंग क्या है इसमें 51 है, तो ये इंडिया जो है लास्ट टाइम जो थी 41 रैंकिंग थी, तो इंडिया जो है वो 10 रैंकिंग और नीचे चला गया है। अगला पॉइंट है आपका नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ये पूछ सकता है कि किसने कौन इस्टेब्लिश कर रहा है, तो ये किसके अंडर में इस्टेब्लिश हो रहा है, नीति आयोग के। इसका मेन फंक्शन क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा होंगे वो एक जगह एक पोर्टल पे अवेलेबल होंगे, इससे क्या होगा जो भी जिसे भी कुछ डाटा की इंपॉर्टेंट जरूरत होगी तो वो उसका बेटर तरीके से ऑथेंटिक डाटा उसको मिल जाएगा एक ही जगह पे। अगला पॉइंट है आपका सागर माथा डायलॉग, ये पूछ सकता है किसका इनिशिएटिव है, तो ये इनिशिएटिव है आपका नेपाल का। इसमें क्या होगा उसने डिफरेंट कंट्रीज के लोगों, मतलब जो डिग्निटीज है उनको बुलाया और एक डायलॉग टाइप सा है। अगला है आपका फर्स्ट वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स, ये कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, ये इस्टेब्लिश किया गया मेरठ में, ये यूपी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है येलो रस्ट क्या है, ये पूछ सकता है, तो ये क्या है व्हीट क्रॉप से रिलेटेड एक डिजीज है। अगला पूछ सकता है कि C448 क्या है, तो ये क्या है आपका ये हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट है और ये किसने बनाया है, लार्सन एंड टर्बो ने। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली यूपी वालों के लिए, तो आपका नीति आयोग जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की रैंक निकालता है उसमें जो फर्स्ट रैंक पर आया है, मतलब सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट किया है उसका नाम है चंदौली, और ये कहाँ पर पड़ता है यूपी में। अगला पॉइंट है आपका कतर के पीएम कौन बने हैं नए, तो खालिद बिन खलीफा एल थानी। अगला पॉइंट है आपका वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये किसे मिला है, तो ये मिला आपका रानी रामपाल को, और ये हॉकी की प्लेयर है। ओके थैंक यू। आज या कल में हम लोग फरवरी के फर्स्ट वीक की भी जो फर्स्ट वीक की वीडियो वो भी अपलोड कर देंगे, और आप इसका पीडीएफ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।